माने वो कुछ खाने को तो बारे से अलग खानो कर के उसके भाग भाग रही कौन है गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग से आप लोगों को पता ही चला होगा, मैं आई हूँ मामा जी के यहाँ और आज है मामा जी के यहाँ जो भागवत कथा थी उसका लास्ट डे है एंड आज है भंडारा और वहीं पर है, मतलब मंदिर पर है, घर पर नहीं है, तो भंडारा है एंड आज रेस्टोरेंट भी है। तो शाम को हम रेस्टोरेंट का प्रोग्राम रहता है ना जो भी वो करेंगे और क्या करेंगे, हाँ रेस्टोरेंट का प्रोग्राम एंड भंडारा होगा। और अभी इस टाइम पर वहाँ पर चल रहा है, मतलब कि पूजन चल रहा है और हवन पूजन चल रहा है वहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे। तो ये देखिए फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है, इनका फ़ोन लिए हुए मैं हाथ में और ये निकाल रहे हैं यहाँ पे गाड़ी और यहाँ पे ये भरा हुआ है ठंडा ठंडा एकदम पानी, चिल्ड चिल्ड वाटर। कुएँ का पानी वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो चलिए चलते हैं वहीं पर और मैं दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये साड़ी मैं अभी घर गई थी ना, मतलब मम्मी के पास गई थी, मम्मी पापा के पास, तो वहाँ पे मम्मी ने मुझे दिलाई हुई थी ये वाली साड़ी। तो अभी मैंने इस तरीके से पहनी है, इस तरीके पल्लू की एंड पीछे आ रही है कीर्ति। तो चलिए हम चारों लोग जा रहे हैं, मैं अरदास के पापा एंड कीर्ति। चली जाएगी वहाँ तक? नहीं वहाँ तक नहीं जाएगी, इतनी ढाल थोड़ी ना है, ढाल तिरछी ढाल है, स्कूल है सामने ही, सामने ही मंदिर, स्कूल कॉलेज है, कॉलेज आईटीआई का कॉलेज। देखते हैं ढलान, तूने बोला ना जावे कि नहीं, रोल होते पहुंच जाएंगे। ये सब भंडारा खा खा के आ रहे हैं, देखो ग्लासों में बूंदी भर के लिए हुए। अच्छा उधर आगे भी सो मंदिर आ गया है। माइन ये दोनों पकड़ो, माइन ले आओ, मैं पकड़ लूँ माइन तो चलावे, ले आओ उधर। अच्छा जो तुम लगा के मैं लगाऊँ आज ही मारा दोना कौन है, कहाँ जा रही बोरा लगे माने वो कुछ खाने को तो वो खाएगी देखो मंगाई कल्ला माने करो थोड़ा यार जुम नहीं होगा वो समय पैर छू लो बाबू, हाँ वो दीदी के पैर छू लो, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो उन्हीं ने तो दिया है, इस पे लिखा है उस पे राधे राधे, बोलो उनको राधे राधे, जोर से बोलो बेटू। ये देख तो मम्मी बड़ा कह रहा है, जिद वाली है मम्मी, और आज कह रहा हूं मौसम, अरे ये जलेबी खाने को आवे दोबारा विदाई कर दी है। सो यहाँ पे कथा भागवत जो भी प्रोग्राम था भंडारे का वो सब हो गया है एंड थोड़ा थोड़ा मैंने सब शूट किया था, जितना शूट किया आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है एंड अभी हो रहा है शाम का टाइम, मतलब अंधेरा सा ही होने वाला, तभी हम लोग जा रहे हैं घर। और ये है हमारी मामी, मामी के मन में बैठी हूँ, ये देखो कैसे चला पुष्पा, जैसे चला पुष्पा रहा है, यहाँ पुष्पा राज चल रहा है। तो बस अभी हम लोग जाते हैं घर एंड वहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद का जो भी प्रोग्राम होगा वो कंटिन्यू करेंगे एंड ब्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। क्या हो गया दर्शना, ये देखो ये रुद्रांश की मौसी, चलो रुद्रांश की मौसी है ये मौसी। Oh, 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 oh
सो गाइस यहाँ पे चल रहा है कुआ पूजन का नेक, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, ननद जो होती है ना, ननद कुएं को खोदती हैं, यानी कि ये छोटा सा गड्ढा बनाया हुआ है वो खोदती हैं, एंड उसके बाद फिर उसमें पानी भरा जाता है, ननद को नेक दिया जाता है, एंड उसके बाद फिर भाभी आती हैं रेडी होके, मतलब उनके मायके से जो भी कपड़े वगैरह आते हैं वो पहन के आती हैं, एंड उसके बाद फिर भाभी आती हैं पानी भरती हैं, मतलब रस्सी से पानी खींचती हैं, कुएं की पूजा करती हैं, और उसके बाद उस पानी को ना गगरी में भर के खड़ी हो जाती हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताती हूँ मैं आगे। एंड ये देखिए छोटा सा गड्ढा बना दिया, उसमें पानी भर दिया गया, एंड कुएं की पूजा कर दी है। उसके बाद ये देखिए अभी देवर आते हैं, फिर देवर इस गगरी को उतारते हैं, एंड देवर को भी फिर नेक दिया जाता है। तो ये अभी यहाँ पे ना डस्टोन का कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि हमारे यहाँ डस्टोन में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को बता रही हूँ। सबके यहाँ का अलग अलग कल्चर होता है, सो अलग अलग रस्में होती हैं। और गाइस ये देखिए यहाँ पे देवर के लिए लड्डू दिए जाते हैं, एंड उसके बाद कुछ नेक देंगे। बेचारा वो नींद में था, उसको नींद में उठाया, एक्चुअली उसको वो ना कंफ्यूज हो गया था, वो मैं क्या बोलूँ क्या मांगूँ, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, ये मांगो ये मांगो, बेचारा वो बहुत कंफ्यूज हो गया था क्योंकि वो नींद से उठ के आ गया था। एंड वो देखो अपना बता रहा है कि मुझे क्या चाहिए है, एंड सब लोग बता रहे हैं अपना अपना कि ये ले लो ये ले लो। सो गाइस फाइनली उसने अपनी बात जो भी उसने मांगा हो मांगा, एंड उसके बाद वो उसने गगरी उतारी, एंड उसको दो लड्डू एंड जो भी देने का था मतलब पैसे वगैरह वो दिए, एंड उसके बाद फिर उसने गगरी उतारी। सो गाइस हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं डस्टोन में, एंड बहुत सारा नाच गाना हुआ, रात भर नाच गाना चला, एंड सब ने खूब इंजॉय किया। सो गाइस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना, एंड ढेर सारा अपना प्यार देना, और ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए मुझे। और वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गाइस ये देखिए कुछ लकड़ियाँ हैं, और इन लकड़ियों को ना ऊपर छत के ऊपर फेंका जाता है, मुझे नहीं पता क्यों देखते हैं, ये शायद किसी चीज़ की लकड़ी रहती है, खैर वगैरह की उसकी लकड़ी रहती है, उनको फेंका जाता है छत के ऊपर।
पल्ला उतर रहा है ये पल्ला। दीदी ले लो, दो रुपया चाहिए, दो रुपया बैठ जाता है नेक देने के लिए। माय गॉड, दस में तो बैलून भी नहीं आते आजकल। दूसरा उतार ले, दे दो भैया एक। अरे ना फिर अंदर में बेटा बहुत महंगी पड़ गई है गाड़ी। अबे परी नन्या, पर है खजी जा, कितनी कीमत हो गई।